हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, वो क्लास टेंथ पे बात करेंगे। क्लास टेंथ पे जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट, उस पे आगे हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी, तो वहीं से एक बार स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एसिड से कि एसिड क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेज which liberates H plus ion in aqueous solution known as acids। ऐसे substances जो क्या करें, aqueous solution में H plus liberate करें, उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, HCl क्या करेगा, जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन में बनाएंगे इसे, ये H प्लस प्लस Cl माइनस में लिब्रेट हो जाता है। H2SO4 ये भी एक एसिड है, ये क्या करता है, ये भी H प्लस लिब्रेट करता है, H2 प्लस SO4 माइनस 2। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी क्या करेगा, H प्लस लिब्रेट करेगा, प्लस में काउंटर आयन NO3 माइनस बनाएगा। तो वो सारे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस डोनेट करते हैं, लिब्रेट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। बट स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये बहुत ही अनस्टेबल है। तो ये इस H प्लस की फॉर्म में नहीं रहता, ये एक्चुअली करता क्या है, ये जो एक्वस सॉल्यूशन का मीन्स समझना बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन का मीन्स है आपने किस सॉल्यूशन में करवाई है, H2O के साथ में रिएक्शन करवाई, यानी कि वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई है। एक्वस सॉल्यूशन का मीन्स ये होता है कि आपने वो एसिड है वो किस में डिजोल्व किया, वाटर में डिजोल्व किया है। तो एक्चुअली होता क्या है, इस रिएक्शन को अगर मैं कंप्लीट लिखूं तो ये इस तरीके से रिएक्शन होती है, HCl प्लस H2O चेंज टू, ये H प्लस है, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए किसके साथ बाइंड होता है, H2O के साथ में, और बना देता है H3O प्लस, प्लस में Cl माइनस। और ये H3O प्लस जो है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं हम इसे, हाइड्रोनियम आयन। तो क्वेश्चन अगर आया जाए कि एसिड का जो एच है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, हाइड्रोनियम आयन में। ऐसे ही H2SO4 के अंदर भी बात करें तो क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन। ऐसे ही HNO3 की बात करें, नाइट्रिक एसिड, ये भी कैसा रखेगा, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। तो सिंपली मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या दें, एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन लिब्रेट करें, हाइड्रोनियम आयन दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। ठीक है, बेसिक हमने बात कर भी ली थी। अगर आपको याद हो कि H प्लस डोनेट करने वाला कंसेप्ट जो था वो किसने दिया था, मैंने साइंटिस्ट का भी नाम बताया था, आर्यनियस ने बताया था कि जो H प्लस डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक टर्म की बात करते हैं कि एक टर्म आती है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के रिलेटेड, तो हम बात करेंगे टाइप ऑफ एसिड की, कि स्ट्रॉन्ग एसिड किन्हें कहेंगे, वीक एसिड किन्हें कहेंगे। देखो यहाँ पे हम क्लासिफाई करते हैं एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस। स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ हम बात करते हैं वीक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी टू रिलीज आयंस, एच प्लस आयंस। कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कब कहलाता है, जो वो बहुत अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट के अंदर H प्लस लिब्रेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड जो क्या होता है, बहुत ही कम आयोनाइज्ड होता है, बहुत ही लेस अमाउंट में आयोनाइज होता है, बहुत ही कम H प्लस आयन डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सिंपली हम कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, यहां लार्ज अमाउंट में आयनाइजेशन होगा। और यहां पे अगर बात करें एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड, आयनाइजेशन इज लो, आयनाइजेशन क्या होगा, कम होगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करूं मैं, तो H2SO4 ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों है स्ट्रॉन्ग एसिड,
कि जब आप इसको आयनाइज करते हो, इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालते हो, तो जितने आपने मॉलिक्यूल लिए हैं वो सारे के सारे डिसोसिएट हो जाते हैं। मान लीजिए आपने इसका H2SO4 का 100 मॉलिक्यूल ले लिए, तो ये 100 के 100 डिसोसिएट होकर क्या बना लेते हैं, H+ और SO4-2 बना लेते हैं। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर एक एग्जाम्पल आता है HCl का, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। याद रखना स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड्स, लास्ट क्लास में मिनरल एसिड की बात कर चुका हूँ, मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग। ज़्यादातर मिनरल एसिड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिनरल एसिड के एग्जाम्पल बताऊँ, HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, और अगर बात करें H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ये सारे के सारे क्या है, मिनरल एसिड है। तो हम बात कर रहे थे HCl की, तो ऐसे ही HCl भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी क्या करेगा, आपने इसके अगर इसके 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 100 के 100 क्या करेंगे, डिसोसिएट कर जाएंगे। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसा एसिड जो 100% क्या हो, आयोनाइज्ड हो, क्या हो, 100% आयोनाइज्ड हो, उन एसिड्स को हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहेंगे, ठीक है। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, ये सारे के सारे क्या होते हैं, 100% आयोनाइज होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वीक एसिड का एग्जाम्पल देखें, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको जब आयनाइज करते हैं तो H+ CH3COOH- के अंदर क्या होता है, डिसोसिएट होता है। बट अगर आपने यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल लिए हैं CH3COOH के, तो मैक्सिमम 5-10% ये डिसोसिएट होगा, यानी कि 95 तो यही मॉलिक्यूल होंगे, सिर्फ 5 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे एसिटिक एसिड के जो डिसोसिएट होंगे। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जब क्या क्वेश्चन बनता है कि इन अ वीक एसिड क्या क्या प्रेजेंट होता है, कि कौन कौन सी एंटिटी प्रेजेंट होती है वीक एसिड में। तो ध्यान देना, वीक एसिड के अंदर आयन एंड मॉलिक्यूल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन प्रेजेंट होता है, ओनली आयन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों, क्योंकि ये तो सारा डिसोसिएट हो ही जाता है स्ट्रॉन्ग है, तो सिर्फ किस फॉर्म में मिलेगा हमें, आयनाइज फॉर्म में मिलेगा। बट वीक जो एसिड होता है उसका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसमें आपको आयन भी मिलेंगे और मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। कैसे, कि हमने एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल लिए, 100, मैं कह रहा हूँ कि 5 ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, तो 5 तो किस फॉर्म में आ गए, आयोनिक फॉर्म में, बाकी 95% किस में रहे, एसिटिक एसिड यानी कि इसी फॉर्म में रहे, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो एन एक्वस एन वीक एक्वस वीक एसिड सॉल्यूशन कंटेन्स आयन एंड मॉलिक्यूल्स बोथ, बट द स्ट्रॉन्ग एसिड एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली एंड ओनली आयन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बनता है एक, तो हमें पता चल गया कि वीक एसिड कौन से हैं जिनका आयनाइजेशन मैक्सिमम 10% मैक्सिमम होता है, ये तो इससे 5% तक, 3% तक, 2% तक इतना ही आयनाइजेशन होता है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। इधर बात कर ली हमने किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जांपल देख लिए, H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4, H2SO3, काफ़ी सारे हैं। एक और बात स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना, कि मैंने आपको क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, बट ये जो कार्बोनिक एसिड होता है, कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये मिनरल एसिड तो है बट ये किसकी तरह कंसीडर होता है, वीक एसिड की तरह। लगभग सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट ये कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3, ये कैसा होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली मिनरल एसिड में आता भी नहीं है, ये ज्यादातर हम ऑर्गेनिक एसिड में ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस पे बात कर ली एसिड के। अब हम कुछ एसिड की रिएक्शंस देखते हैं स्टूडेंट्स, कि एसिड कैसे रिएक्ट करता है किसी भी अनदर कंपाउंड के साथ में। लास्ट क्लास में वैसे आपको मैंने बता दिया था कि कोई भी एसिड जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इसको फिर से एक बार मैं रिवाइज करूँगा, फिर हम फर्दर पढ़ेंगे और भी इसकी काफ़ी सारी रिएक्शंस। तो सबसे पहले मैं एक बार वो रिवाइज कर रहा हूँ कि जो एसिड है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। तो मैंने आपको बताया था मेटल के साथ रिएक्ट करता है कैसे, क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और H2 गैस रिलीज करता है। तो एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ में, क्या बनाएगा, कोरस्पोंडिंग सॉल्ट बना देगा, प्लस में क्या लिब्रेट करेगा, H2 गैस लिब्रेट करेगा। जैसे अगर हम बात करें एसिड की, जैसे HCl है,
मेटल है हमारे पास सोडियम, तो हमारे पास क्या होगा NaCl प्लस एच टू। अगर हमने लिया H2SO4 प्लस इसकी रिएक्शन करवाई Mg के साथ में, मैग्नीशियम के साथ में, तो क्या बनाएगा ये MgSO4 प्लस H2। ऐसे ही अगर बात करूँ मैं H2SO4 इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में, जिंक के साथ में, तो ये क्या बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो एसिड क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं H2 लिबरेट करते हैं। लेकिन सभी मेटल्स जो है वो ऐसा नहीं करते स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं क्या CuSO4 प्लस Zn, और अगर यह बात कर दूं कि ZnSO4 प्लस H2, तो ये पॉसिबल नहीं है। सभी मेटल्स जो है वो H2 लिबरेट नहीं करते एसिड के साथ में रिएक्शन करके। जैसे मैंने क्या कहा, सॉरी यहां पे अगर बात करूं मैं H2SO4 और यहां पे मैं मेटल ले लेता हूं Cu, तो यहां पे CuSO4 और H2 नहीं होगा। तो सभी जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके H2 लिबरेट नहीं करते। इसके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है या फिर रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वो हम पढ़ेंगे आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वो जो उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं जो हाइड्रोजन से बिलो होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से बिलो मेटल्स होते हैं वो H2 लिबरेट नहीं करते, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। जैसे कॉपर जो है, Ag जो है, Hg है, CuHgAg, ठीक है, Au गोल्ड, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, मर्करी हुआ, गोल्ड हुआ, प्लैटिनम हुआ, ये इतने मेटल जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, आगे हम जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तब मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि इनकी रिएक्टिविटी जो होती है कॉपर AgHgAuPt, कॉपर सिल्वर मर्करी गोल्ड और प्लैटिनम, इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है इसलिए H2 लिबरेट नहीं करते। अभी के लिए सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि ऐसी मेटल्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 लिबरेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी H2 से कम होती है। तो ये हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी आई थिंक कि एसिड कैसे इस तरीके से मेटल के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, एसिड की रिएक्शन किसके साथ में, मेटल कार्बोनेट्स और फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इसके साथ रिएक्शन है एसिड की मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड रिएक्ट्स विद, सबसे पहले बात करते हैं मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट के साथ में एसिड रिएक्ट करके क्या बनाता है स्टूडेंट्स, तो ये एसिड है, जब ये मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर H2O, ये बनाएगा। तो कैसे, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl प्लस में हमने मेटल कार्बोनेट ले लिया Na2CO3, इसको बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन करवाई HCl के साथ में तो क्या बनेगा सॉल्ट, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाएगा। तो सॉल्ट तो क्या बनेगा NaCl प्लस में CO2 लिबरेट होगी प्लस में वाटर लिबरेट होगा। ऐसे ही H2SO4 प्लस में Na2CO3, सल्फ्यूरिक एसिड की सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। तो जो मेटल कार्बोनेट्स है वो क्या बना देंगे सॉल्ट बना देंगे, CO2 और H2O ये तो कॉमन है ही है, प्लस में क्या बनेगा सॉल्ट चेंज होता रहेगा, जो भी हमारा एसिड होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनता जाएगा हमारे पास ये बनता जाएगा सॉल्ट। और अगर एग्जांपल देखें इसके, देखो जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बन जाएगा CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। तो सिंपली इस तरीके से मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करके एसिड क्या बनाता है सोल्ट CO2 प्लस H2O। सोल्ट इस तरीके से वैरी करता रहेगा, CO2 H2O कॉमन है। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूं
अगर रिएक्शन करवाए किसकी, एसिड के साथ में किसकी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सेम कंडीशन वही बनेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो भी सेम ही बनेगा, सोल्ट CO2H2O। तो कैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले हमने मान लीजिए HCl की रिएक्शन करवाई थी किसके साथ में, Na2CO3 के साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ में। अब हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे क्या बनेगा, इससे भी सेम सॉल्ट NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। बस यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट होंगे, यहाँ पे एक ही बन रहा है NaCl। जो पहले रिएक्शंस थे उनको बैलेंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 NaCl बन रहा था, यानी कि अगर मैं ये बात करूँ HCl प्लस Na2CO3, इसकी रिएक्शन में क्या बनता है, 2 NaCl बनता है, 2 NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। बाकी सेम ही है, सेम सॉल्ट CO2H2O, मेटल कार्बोनेट्स और एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट्स, या फिर मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट CO2 प्लस वाटर, इतनी चीज बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एसिड की और किसी के साथ रिएक्शन बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एसिड की रिएक्शन किसके साथ में, मेटल ऑक्साइड्स के साथ में। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर बेसिक इन नेचर। क्या नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और एसिड और बेस आपस में जब भी रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। इसी तरीके से जैसे एसिड प्लस में क्या होगा हमारे पास, मेटल ऑक्साइड, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस में वाटर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, ये हमारा मेटल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ में तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा आपका ZnCl2 प्लस में H2O। अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, H2SO4 के साथ में, तो बनेगा CaSO4 प्लस H2O। अगर हम बात करें CaO प्लस 2HCl की तो हमारे पास क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O। तो क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, तो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस वाटर बनता जाएगा। इस तरीके से मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, एसिड के साथ में। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा है, हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, एसिड्स की रिएक्शन पढ़ी, एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेस से स्टार्ट करेंगे, बेस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अगर ये आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।